चलिए बनाएंगे आज ये चाउमीन, और हम घर में इतनी टेस्टी तैयार करेंगे कि आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। तो पानी में सबसे पहले मैं डालूंगी नमक, और थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद ना उबाल आने तक का हम वेट करेंगे। जब इसमें उबाल आने लगेगा तो ये मैंने सूखे वाले नूडल्स लिए हैं, तो मैं इसमें डाल दूंगी पानी में, और अच्छे से डिप कर देने हैं हमें पानी के अंदर, और 2 से 3 मिनट ही बॉईल करना है। तो ये देखिए अच्छे से उबल गए हैं नूडल्स। अब इनका जो एक्स्ट्रा पानी उसे हम एक छलनी में निकाल देंगे, ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल देंगे कुछ इस तरह से, और ऊपर से थोड़ा सा हम ऑयल डालने के बाद मिक्स कर देंगे। इससे नूडल्स ना हमारे आपस में चिपकेंगे नहीं। और अब हमने कुछ सब्जियां कट करके पहले से ही रखी हुई हैं, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, लहसुन और प्याज। अब कढ़ाई में हम ऑयल गर्म होने के लिए रखेंगे। फिर इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे प्याज, फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन, और 1 से 2 मिनट हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। और फिर इसके बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करनी शुरू करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे शिमला मिर्च, फिर इसमें डाल देंगे गाजर और बंद गोभी, और इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट ही फ्राई करेंगे ताकि ये जो इनका थोड़ा बहुत पानी हो ना वो सूख जाए। तो जब तक ही हमें इन्हें फ्राई करना है, तो कुछ इस तरह से। अब इसमें हम नूडल्स ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे, तो हमें थोड़े थोड़े करके नूडल्स इसमें ऐड कर देने हैं। अब ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे वाइट सिरका, फिर इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस थोड़ी सी, और इसमें रेड चिली सॉस भी ऐड कर देंगे, ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, और थोड़ा सा डाल देंगे हम नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और फिर इन्हें कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी ना, तो हम इसे 1 से 2 मिनट और फ्राई कर लेंगे। तो मज़ेदार हमारी ये चाउमीन बनकर तैयार है। और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार।